Hi, this is Bhavan Irani and please keep watching INN 24. नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। देश की आजादी का 73वां स्वतंत्रता दिवस उमंग और हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर कोरबा के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का भी वाचन किया। डॉक्टर टेकाम ने कोरबा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अग्रणी छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर अनेकता में एकता के प्रतीक गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं योग और पीटी का प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के 12 शहीदों के परिजनों का शॉल श्रीफल भेंट कर विशेष सम्मान किया गया और उनकी शहादत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। समारोह में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महापौर रेणु अग्रवाल, पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर, राजकिशोर प्रसाद, सुरेंद्र जायसवाल, कलेक्टर किरण कौशल, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस का पर्व रायगढ़ जिले में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के मिनी स्टेडियम ग्राउंड में प्रमुख समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रायगढ़ प्रभारी मंत्री व छत्तीसगढ़ कृषि विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। मंत्री जी ने इस दौरान मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। इसके तुरंत बाद पुलिस के जवान, एनसीसी स्काउट्स व गाइड्स के कैडेट्स मार्च पास्ट किए। इस दौरान मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों का सम्मान भी किया। साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को प्रभारी मंत्री के हाथों सम्मान दिया गया जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए जिले में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को चेक वितरण भी किया गया। कोरबा में मॉडल डिग्री कॉलेज ग्राम मर्रा साजा में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसी शैक्षणिक सत्र से 15 नए फार्मेसी महाविद्यालय एवं एक डिप्लोमा फाइन आर्ट एंड कम्युनिकेशन संस्था प्रारंभ की गई। देश में पहली बार ट्रिपल आईटी नवा रायपुर में डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू किया गया। प्रदेश के खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण देकर तराशने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सही पहल और संस्था के अभाव में प्रतिभाओं की चमक अपने अंचल में ही सिमट कर रह जाती थी। हमने खेल प्राधिकरण अलग अलग अंचलों की विशेषताओं के आधार पर स्पोर्ट्स स्कूल एवं खेल अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया। 20,000 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में डालने का व्यवस्था किया गया। मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार डुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट्स के निर्माण में तेजी लाई गई। हितग्राहियों को मात्र 75,000 रुपये में घर मिलेंगे। नगरीय निकायों को जनउपयोगी विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। गुणवत्ता युक्त पेयजल प्रदान करने के अभियान को मजबूती देते हुए 6 माह में 6 नई योजनाएँ हमने शुरू की। घरेलू पेयजल कनेक्शन से वंचित BPL परिवारों के लिए मिनी माता अमृत जलधारा योजना फिल्टर प्लांट के माध्यम से पैकेज वाटर प्रदाय हेतु राजीव गांधी जल प्रदाय योजना, आपदाग्रस्त स्थानों के लिए मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना, राज्य के महान तीर्थ गिरोदपुरी के लिए गिरोदपुरी धाम पेयजल योजना, सुपाबेड़ा में तेल नदी के लिए सुपाबेड़ा पेयजल योजना। आज़ादी के इस महान पर्व में कितना अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम और किस खुशनुमा माहौल में आज हमारे इस रायगढ़ में संपन्न हुआ। मैं हृदय से प्रशासन को, भाग लेने वाले सारे बच्चों को, सभी शालाओं को, सारे अधिकारियों को और आम नागरिकों को खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाई भी रक्षा सूत्र बंधवाकर बहन की रक्षा करने का संकल्प लिए। जेल में बंद भाई आज के दिन अपनी बहनों का इंतजार करते हैं और बहन भी अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए दूर दराज से जगदलपुर जेल पहुंची। जगदलपुर केंद्रीय जेल में सुबह से ही बहनों की लंबी लाइन अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए लगी रही। बहन और परिवार वालों को देखते ही कई भाइयों की आंखों में आंसू देखे गए। जेल प्रशासन ने भी इस रक्षाबंधन पर विशेष तैयारी की थी। राखी बंधवाने के बाद जेल में बंद भाइयों ने भी अपनी बहनों से वादा किया कि जेल से निकलने के बाद वे कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। रक्षाबंधन के पर्व पर जो बहनें अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने आ रही है, उनका सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करा के 100 ग्राम सूखी मिठाई के साथ वो राखी लेके आ रही है। उसके पश्चात उनको सुरक्षा जांच के बाद राखी बांधने का अवसर दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 500 महीने आके राखी बांध चुकी है अपने भाइयों। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगोड़ी में एक मिसाल देखने को मिली। पुलिस विभाग की ड्यूटी करने वालों को बहुत ही कम छुट्टियां मिलती हैं। पुलिस विभाग जो कि लोगों की सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए अलर्ट रहती है, पुलिस कर्मियों को बहुत बार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु वार्षिक 30 त्योहारों से वंचित रहना पड़ता है। इसी हालात को देखते हुए सिंगोड़ी मुस्लिम समुदाय की महिला शमशाद तबस्सुम रियाज कादरी ने रक्षाबंधन के पावन त्यौहार को मनाने के लिए ग्राम सिंगोड़ी की पुलिस चौकी में पहुंचकर पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा, जिससे पुलिस कर्मियों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर सिंगोड़ी चौकी प्रभारी SI महेंद्र भगत, ASI शिव सिंह बघेल आदि उपस्थित रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। नमस्कार। राम तन में राम। दिस इज अनूप जलोटा and keep watching INN24 channel.